नगर निगम पर जन विरोधी निर्णय का आरोप लगाते हुए ज्ञानोदय विद्यालय कैंप एक के परिसर में 2 अक्टूबर को सत्याग्रह किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से समाजसेवी प्रभुनाथ मिश्रा एवं पार्षद दिवाकर भारती, रमेश मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल रहे। नगर निगम प्रशासन द्वारा ज्ञानोदय विद्यालय मदर टेरेसा नगर कैंप एक परिसर में सियान सदन बनाए जाने के कार्य की शुरुआत की गई है। इससे स्कूल में अध्ययनरत बच्चों के पालकों में आक्रोश देखने को मिला है। विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने पर आक्रोश जताते हुए इस मामले में कैंप के पूर्व पार्षद दिवाकर भारती द्वारा अपना इस्तीफा कांग्रेस को सौंपा जा चुका है। विद्यालय परिसर में सियान सदन का निर्माण कराए जाने के विरोध में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह में वरिष्ठ समाज सेवी प्रभु नाथ मिश्रा, पूर्व पार्षद दिवाकर भारती, ज्ञानोदय विद्यालय संचालन समिति के रमेश मिश्रा सहित क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए। यहां सभी ने एक स्वर में विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने के निर्णय को गलत ठहराया और कहा कि विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने से बच्चों के खेलने का कार्य प्रभावित होगा। समय समय पर विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिस पर भी विराम लगेगा। नगर निगम प्रशासन को इन तमाम तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सियान सदन के निर्माण कार्य को शुरू किया गया है। इस जन विरोधी कार्य का सभी विरोध करते हैं। सत्याग्रह की जानकारी वरिष्ठ समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा, पूर्व पार्षद दिवाकर भारती और रमेश मिश्रा ने दी। पिछले 3 दशक से ये ज्ञानोदय स्कूल यहाँ चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। हमारा इलाका गरीब लोगों का इलाका है, सस्ती और सुंदर पढ़ाई यहाँ स्कूल में मिलती है। कोरोना काल में कुछ दिक्कत आई थी, स्कूल बंद हुआ था, उस दौरान कुछ लोगों ने आजू बाजू अवैध कब्जा कर लिया। तमाम मोहल्ले के जागरूक लोगों ने, माताओं बहनों ने मिलकर इसको सुरक्षित रखा। आप बाउंड्री वाल देख रहे हैं, चारों ओर से बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अभी यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ क्लब बनाने जा रहे हैं, ग्राउंड में सियान सदन बनाने जा रहे हैं। आप जगह जगह शिकायत सुन रहे हो निगम में, हम भी बोलते हैं कमिश्नर कि जहाँ जहाँ तुमने ये बनाया है सब दारू का अड्डा बना हुआ है, शराब वहाँ बिक रही है, वहाँ सट्टा खेला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, वहाँ शराबी बैठते हैं। ये स्कूल ग्राउंड में इतना सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, अवैध कब्जे हो रहे हैं। तुमको अगर कहीं क्लब बनाना है, सियान सदन बनाना, वहाँ ले जाकर बनाओ। स्कूल ग्राउंड में कहाँ बनाओगे, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? कल स्कूल का विस्तार होगा तो जगह कहाँ मिलेगी? नगर निगम को करोड़ों रुपया शिक्षा कर के नाम पर हम लोग देते हैं, नगर निगम एक भी स्कूल संचालित नहीं कर सकती है। स्कूल को संचालित आप नगर निगम स्कूल को ले ले, मास्टरों को अच्छा पेमेंट दीजिए, अच्छी बिल्डिंग बनाइए। यहाँ मुख्यमंत्री कहता है कि हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे, बना बनाए स्कूल है, लो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलो, हमारी बेटी बहनों को अच्छी पेमेंट दो, बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, स्कूल को स्कूल रहने दो, दारू क्लब न बनाओ, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही इस संबंध में शासन और प्रशासन को आगाह किया गया था, यदि इस स्कूल में अतिक्रमण को रोका नहीं गया नगर निगम के द्वारा, तो मेरे द्वारा सत्याग्रह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं शास्त्री जी की जयंती पर किया जाएगा। और उसी तारतम्य में हम अपने शेड्यूल के अनुसार आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पर महिलाओं और उनके पालकों के साथ, आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। किंतु और यदि आज भी शासन और प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाता है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन का एक रूप देंगे। आने वाले समय में हम लोग इस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे कि तत्काल इस भवन पर रोक लगाएं। आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम लोगों ने यहाँ पर एक सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि हमारे विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ नगर निगम को गुमराह करके एक भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि हमारे विद्यालय परिसर का ग्राउंड के अंदर है, जहाँ कि हमारे बच्चे खेलकूद का कार्य करते हैं। और छोटा सा ग्राउंड है, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती और शासन प्रशासन की ज़बरदस्ती के खिलाफ हम लोग आज सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं कि हमारे नगर निगम के महापौर नीरज पाल जी द्वारा यह कहना चाहिए कि बहुत ही निंदनीय कार्य है कि हमारे विद्यालय परिसर के अंदर बच्चों के खेल मैदान में
और भवन का निर्माण करना। इसी विरोध में आज हम लोग अपने मोहल्लेवासियों के साथ और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ आज हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। ज्ञानोदय विद्यालय परिसर में सियान सदन बनाए जाने के फैसले के विरोध में सत्याग्रह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और बच्चों के पालक उपस्थित हुए। सभी ने नगर निगम के इस निर्णय का एक स्वर में विरोध किया। वहीं सत्याग्रह पर बैठे नेताओं ने कहा कि यदि सियान सदन के निर्माण कार्य को नहीं रोका जाता तो आने वाले समय में आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।